मृत्यु निराट सत्य, किंतु एहा केते बेले कहा पाखकु चली आसीब से विषयरे कहाकु जणा नथाय। आउ मृत्यु जदि हठात किछि दुर्घटना कारणरु हेउछि तबे निज लोकंकु ए सतकु विश्वास करिबा कष्ट होइ जाय। जिए याकु पाखरु देखिछि तार अनुभूति किछि अलग ही थाए। ता मनरु से डर दूर हेबाकु किछि समय लागे। आउ जहार अचानक मृत्यु हुए से सबको विश्वास करिबाकु ता निज लोकंकु समय लागे। आजिर दिनरे जदि आमे देखिबा प्रतिदिन किछि ना किछि दुर्घटना तो निहाती घटुछि। कहा भाग्य टाण थिले बंची जाउछि तो किए मृत्युर आरे पसुछि। आपण किछि दिन हेबो अनेक घटना संपर्करे खबर पाउथिबे जेउथिरे लोकंकर मृत्यु अचानक हेउछि। आजि गोटिए दिनरे अनेक लोक एही अघटनर शिकार होइछन्ती। आज देखंतु केवल आम राज्य नुहे बरं देश दुनिया रे भी सीरीज दुर्घटना घटी। एपरिकी लोक माने जीवंता जली जाइछंती। प्रथम घटनाटी रही महाराष्ट्र को नहीं। बस रे लागिला निया, एका थरके जीवंता जली गले 26 जन यात्री, संख्या आहुरी भी बढ़ी पारे। महाराष्ट्र बुलढाणा जिला समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे रे एही मर्मन्तुद दुर्घटना घटी। आहतंक भितरे अनेकंक अवस्था एवं संकटापन्न रही। आगको मृत्यु संख्या बढ़ी पारे। तेबे 32 जन यात्रींकु नेई बस टी जाउथिला। आउ एही समय रे हठात बस रे लागी जाइथिला निया। बस रे थिबा समस्त आहतंकु बुलढाणा सिविल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। दुर्घटना परे दुर्घटना प्रतिदिन घटुछि किछि एभळी घटना जहाकु सुनिले आपणकर होश उडिजिबो। रास्तारे जाउथिबा समयरे एपरि किछि अघटन घटुछि जहार शिकार हेउछन्ति असंख्य यात्री। आउ कष्ट पाउछन्ति अनेक निरीह परिवार। एई जेमिति आजिर बस दुर्घटना। एही घटनारे दुख प्रकाश करिबा सहित सहायता राशि घोषणा करिछन्ति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु मृतकंक परिवारकु 5 लक्ष टंका सहायता राशि घोषणा करिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुख प्रकाश करिबा सहित 2 लक्ष टंकार सहायता राशि देबाकु घोषणा करिछन्ति। एहा सहित आहतंकु मागणा चिकित्सा प्रदान करिबा पई मध्य मुख्यमंत्री सिंधे कहिछन्ति। खबर अनुसार बसटी नागपुररु पुणे जाउथिबा बेले एही दुर्घटना घटिछि। तेबे मृतकंक संख्या आगकु बढ़िपारे बोली आशंका करा जाउछि। खबर मुताबक बसटी नागपुररु पुणे को जाउथिबा बेले बुलढाणा पाखरे जेवलंगा खांडे निकटरे दुर्घटनार शिकार होइथिला। बसरे थिबा यात्री एक विवाह कार्यक्रमरे जोग देबाकु जाउथिले। वर्षा जोगु बसर चक्का खसिबा जोगु बसटी ओलटी पड़िथिला। आउ बसरे डीजल टांकी फाटी जाइथिला, फळरे बसरे निया लागिथिला। बसरे 32 जण यात्री थिले। निया लागिबा जोगु 26 जण जीवंत दग्ध होइ जाइथिबा बेले अन्य माने आहत होइछन्ती। सेमानंको चिकित्सा पई बुलढाणार सिविल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। तेबे दुर्घटनारे मृत्युवरण करिथिबा व्यक्तिंक परिचय मिलिबा कष्टकर होइ पड़िछि। समस्ते जळी पड़ि जाइछन्ती बोली जानिबाकु संभव हेउ नाही। तेणु डीएनए नमूना परीक्षा करिबा परे परिजनंकु मृतदेह हस्तांतर कराजिबो बोली खबर मिलिछि। सेहिपरि आजि फुणि थरे ओएसआरटीसी बसर दुर्घटना घटिछि। संबलपुर जिला जमनकिरा थाना बाईपास रास्तारे केन्दुझर बलांगीर सरकारी बस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एही दुर्घटनारे 5 जण आहत होइछन्ती। समस्त आहतंकु निकटस्थ मेडिकालले भर्ती करा जाइछि। सूचना अनुसारे पूर्वरु छिडा होइथिबा ट्रकु पछपटु धक्का देला बस, फळरे बस चालक गुरुतर होइछन्ती। एहा परे गुरुतकंकु बुल्ला डाक्तरखानाकु पठा जाइछि। पुलिस घटनास्थलकु पहुँचि तदंत आरंभ करिछन्ती। विलंबित राति प्राय 3टारे एही दुर्घटना घटिछि। केवल एतिकि नुहे बरं आजि केनियारे सीरीज दुर्घटना घटिछि। एथिरे 48 जणंकर मृत्यु होइछि। सूचना अनुसारे भारसीमा हराई जनगहळीपूर्ण बजाररे 6रु अधिक गाडीकु धक्का देइथिला ट्रक। दुर्घटनारे 48 जणंकर मृत्यु होइछि। मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा नै संभावना अछि। सिपिंग कंटेनर नै जाउथिबा ट्रकटी भारसीमा हराइथिला। मिनी बस ट्रक सह अनेक कारकु धक्का देइथिला। एने घटनार शोक व्यक्त करिछन्ती केनियार राष्ट्रपति विलियम रिटो।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଫୁଟେଜ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଗାଡି ଭିତରେ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେରିଚୋ ଏବଂ ନାକୁରୁ ଟାଉନ ରାଜପଥରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 30 ଜଣ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ସତକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ତାଠୁ ଅଧିକା ନିଜ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।